मल्टी लेवल पार्किंग संचालकों पर अवैध वसूली का आरोप। नववर्ष से पूर्व मंदिरों की नगरी कहे जाने वाली श्रीधाम वृंदावन में उमड़ रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों से कार पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली रुकने का नाम नहीं ले रही है। छटीकरा मार्ग स्थित मल्टी लेवल कार पार्किंग पर जमकर श्रद्धालुओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी व पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर अवैध वसूली को बढ़ावा दे रहे हैं। मंदिर और देवालयों के दर्शनार्थ आ रहे देश विदेश के श्रद्धालुओं का आरोप है कि 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। शोषण की हद ये है कि पार्किंग स्थल पर कहीं भी प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट चिस्पा नहीं है, जिसका पार्किंग संचालक नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वहीं पार्किंग पर शौचालय, पेयजल, साफ सफाई आदि मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। श्रद्धालु और पर्यटकों का कहना है कि पार्किंग संचालकों को केवल अपनी अवैध वसूली से मतलब है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा पार्किंग स्थल पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उसके बावजूद भी 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पार्किंग की वसूली समझ से परे है। ऐसा लगता है कि पार्किंग की अवैध वसूली प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से ही की जा रही है।